स्टार्ट किया जाए। देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है वैद्य क्षेत्र, सबसे पहले कुलाम का नियम पढ़ा, कुलाम के नियम के बाद में वैद्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने जाना, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता के हम लोगों ने तीन फार्मूले मेन जो थे वो पढ़ लिए हैं, नहीं कुछ ज़्यादा फार्मूले पढ़ लिए हैं। एक समान किसी बिंदु आवेश कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि होता है इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, वैद्युत ध्रुव पढ़ा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ा, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण फिर पढ़ने के बाद में वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा, इज इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब, और उसके बाद में वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा, इज इक्वल टू 2kp/r³, यही पढ़े हैं। इसी के साथ साथ में एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आवेशित वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो था इज इक्वल टू, याद है, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इतने फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक। ये हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टॉपिक है एक समान, अभी समझते हैं इसके बारे में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण, सॉरी क्या, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण बोले या बलाघूर्ण बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो हर जगह पर समान हो, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ना हो, हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगर हम कह दें यहां पर आवेश स्थित है क्यू प्लस, तो इसका प्रभाव यहां पर ज्यादा होगा यहां की अपेक्षा, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा यहां की अपेक्षा, यहां पर और कम हो जाएगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा, यही तो होता है, प्रभाव घटता जाएगा दूरी बढ़ने के साथ साथ। तो हम कह सकते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, हम अब बात करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र को समझना अगर है, थोड़ी सी एक मैं बात बता देता हूं, एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे किया जाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं इसको समझ लेते हैं। पहले क्या किया जाता था, वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से लाइनों से व्यक्त किया जाता था, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाता था। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से अगर व्यक्त किया जाता था, इसके पीछे दो कारण थे। पहली बात, इसमें जो एरो हैं, एरो की लंबाई उसके परिमाण को प्रदर्शित करती थी, यहां पर एरो लंबा है इसका मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है, और ये एरो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता था कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, इधर है। अगर यहां पर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये एरो बता रहा है इसकी दिशा इधर है, ठीक है। धीरे धीरे एरो की लंबाई कम होते जाते थे, तो इसका मतलब था कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। पहले ऐसे व्यक्त किया जाता था, लेकिन बाद में अब इसको हम लोग ऐसे व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि अब इसको व्यक्त करने का तरीका ये होता है, ये एक्चुअल में कही जाती इन ये जो लाइनें जैसे खींची जा रही थी, इन्हें वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और ये याद रखना ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं,
कहीं पर आवेश होगा तो ये तुमको रेखाएं दिखेंगी नहीं कि ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है। ये हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो क्यों है, तो हमने सोचा कि यहाँ आवेश से कोई एक रेखा निकल रही है, वो जहाँ तक जा रही है उसका वैद्युत क्षेत्र वहाँ तक है। ये हम लोग सोच के रखते हैं, समझ के रखते हैं, समझ रहे ना। ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ही कभी पाई गई हैं, केवल इमेजिन किया गया है कि यहाँ पर रेखाएँ ऐसे निकल रही होंगी, और इन रेखाओं को हम लोग बोलते क्या हैं, वैद्युत बल रेखाएँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इनको कैसे व्यक्त किया जाता है, तो अब इनको इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब बहुत सारे एरो नहीं बनाए जाते हैं, इनकी लंबाई कुछ भी करते चले जाओ, एक ही में मिलाते हुए। जब हम एक ही में मिलाएंगे तो हम इसको समझेंगे कैसे कि कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि ये एरो तो दिखा रहा है, डायरेक्शन तो बता देगा हमारा, लेकिन दिक्कत वहाँ पर आएगी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम या ज़्यादा को ये व्यक्त कर पा रहा है क्या। अभी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा था वहाँ पर बड़े बड़े एरो बना दिए थे, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होता जा रहा था धीरे धीरे एरो छोटे होते जा रहे थे, एरो की लंबाई। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में आप इस बात को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं क्या। एरो का डायरेक्शन तो बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन एरो की कोई निश्चित लंबाई तो एक नहीं दी गई कि यहाँ पर ज़्यादा लंबा एरो है, यहाँ पर छोटा एरो है, तो जिससे पता चल जाए कि वैद्युत क्षेत्र कम या ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे हम समझ पाएंगे, तो एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचने का नज़रिया बदल दिया केवल। वहाँ पर हम लोग पहले क्या समझते थे, जहाँ पर एरो बड़ा है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है, जहाँ पर एरो छोटा है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है, ऐसा समझते थे। लेकिन अब हम ये क्या समझते हैं कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, मतलब उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वैद्युत बल रेखाएँ पास पास में हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो गई, वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास में हैं, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। यहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो गई, यहां पर वैद्युत क्षेत्र इससे कम होगा। आगे बढ़ते जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगी, बचे गए और दूर दूर हो जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र और कम हो जाएगा, सिंपल बात है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात अब ये याद रखिएगा, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, मतलब पास पास में होंगी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र वहां पर प्रबल होगा। वैद्युत क्षेत्रों की संख्या मतलब वो दूर दूर हो जाएंगी, घनत्व कम हो जाएगा अगर, तो हम कहेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है या कम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां पर वैद्युत क्षेत्र कम ज्यादा नहीं है, किसी बिंदु पर हर जगह पर एक जैसा या बराबर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो जब बराबर वैद्युत क्षेत्र होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हर स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या घनत्व उनका समान रहेगा। भाई अगर कम ज्यादा घनत्व हो गया तो फिर वैद्युत क्षेत्र कम ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वहां पर उनकी चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं जो हैं उनकी संख्याओं को या फिर उनके घनत्व को हमें समान दिखाना होगा। ठीक है, तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस तरह से लाइन खींचते हैं समांतर, बिल्कुल समांतर। ठीक है, ये जब समांतर लाइनें जाती हैं तो हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र समान माना जाता है, क्योंकि अगर एक बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो ये समांतर है नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पर पास पास में है, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सारी की सारी समांतर जा रही होंगी तो यहाँ या इस प्लेन से यहाँ पर जितनी बल रेखाएं जा रही होंगी उतनी ही यहाँ से जा रही होंगी, उतनी ही यहाँ से जा रही होंगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने दिखाया है यहाँ पर, ये कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है,
अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जान चुके हैं, मान लिया इस प्रकार का अपना वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये इसमें रखा है, ठीक, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इस तरह से भी रखा जा सकता है, या फिर इसको घुमा कर रख दे, प्लस इधर आ जाए माइनस, उस तरह से भी रखा जा सकता है, या फिर हम मतलब या तो हम इसे ऐसे रखें या ऐसे रखें, जरूरी है इन्हीं दो पोजीशन में रखें। हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, किसी भी पोजीशन में हम मान सकते हैं, मतलब रखा है। हम अभी के लिए एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं कि मान लिया हमारा जो वैद्युत ध्रुव है वो इस तरह से रखा है, ठीक, एक तरफ पतला कर दिया जो सुंदर नहीं लग रहा है, तो उसको सुंदर बनाने के लिए दोबारा बना दिया, ठीक। ये हमने वैद्युत ध्रुव रख लिया, ठीक है। अब ये जो वैद्युत ध्रुव है, ध्यान से देखिएगा, ये वैद्युत ध्रुव जो हमने लिया है ए बी, यहाँ पर हमने इस पर माइनस क्यू आवेश और इस बिंदु पर है प्लस क्यू आवेश, ठीक, रखे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस पर क्या किया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है, उसमें वैद्युत ध्रुव रख लिया है। अब इस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना लगेगा ये हमको निकालना है। अब बलयुग्म का आघूर्ण होता क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो निकालोगे। बलयुग्म, बल तो आप जानते ही, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म जोड़ा, पेयर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पेयर का मतलब बलों का युग्म, बलों का युग्म मतलब दो बल लगेंगे पेयर में होंगे, ठीक है, युग्म में दो बल कैसे लगेंगे, तो याद रखिएगा, हमने अभी बताया था, अभी नहीं बताया था, मतलब किसी पिछली क्लास में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर जैसे ही कोई दूसरा आवेश आता है तो क्या होता है। भाई यहाँ पर आवेश रखा है क्यू, इसने अपना वैद्युत क्षेत्र बनाया और दूसरा आवेश इसके भीतर आया, तो इस पर बल लगना स्टार्ट हो जाता है ना, बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये प्लस का आवेश है तो इस पर बल किधर लगेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसी दिशा में बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर किधर है, ऐसे, तो इसी दिशा में बल लगेगा अगर ये प्लस का आवेश है। अगर ये माइनस का आवेश है तो बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अगर ये है तो बल विपरीत दिशा में, बात क्लियर। आवेश, धनात्मक आवेश पर बल जो लगता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, बात क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, वैद्युत ध्रुव पर कौन सा आवेश है, धनात्मक की ऋणात्मक, दोनों है, दोनों है तो दोनों प्रकार का बल लगेगा। प्लस वाला यहां पर है तो इस पर किधर बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनात्मक आवेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसका मतलब है इस दिशा में एक बल लगेगा, ठीक। यहां पर वैद्युत क्षेत्र कुछ भी है और आवेश क्यू है, तो यहां पर मान लिया बल लगा हमारा एफ, कितना बल लगा। अब यहां पर आते हैं, इसको जरा हटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्यू, ठीक। यहां पर भी तो लगेगा बल, माइनस क्यू आवेश है, लेकिन माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, बल किधर लगेगा, ठीक, कितना बराबर लगेगा, क्या इसके बराबर लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई आवेश बराबर है, क्यों यहां पर भी है, क्यों यहां पर भी है, आवेश बराबर है, आवेश बराबर है, वैद्युत क्षेत्र बराबर है, ये सब कहीं भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है तो हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र बराबर है, आवेश बराबर है तो बल भी बराबर होगा। इसका मतलब है यहां पर भी एक बल लगेगा, अगर ये एफ था तो ये भी 100% एफ ही होगा, बात क्लियर, ठीक। दो बल लग रहे हैं तो बलयुग्म बन गया। अब ये बलयुग्म का आघूर्ण क्या है ये समझना है। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, जैसे हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, उसमें भी वर्ड आया था आघूर्ण का, आघूर्ण आया था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या था भाई, कल ही हम लोगों ने दोबारा पढ़ा था शायद, कुछ मैंने बताया था, ये आवेश है, ये आवेश है, इसकी लंबाई 12 है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते थे, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश,
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवागुण कहते थे, यही कहते थे, ठीक है। अब यहां पर भी आघूर्ण वर्ण आया है, तो उसी प्रकार से यहां पर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लिया था, लेकिन जब बलयुग का आघूर्ण होगा तो दोनों आवेशों नहीं बल्कि दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेंगे, कोई एक बल, दोनों बलों में से आवेशों में से नहीं, अब दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, जैसे यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी वैसे यहां पर दोनों बलों के बीच की, लेकिन दिक्कत यहां पर सिर्फ ये होगी कि दोनों बलों के बीच की दूरी तो लेनी है लेकिन वो लंबवत दूरी होनी चाहिए, मतलब दोनों बलों के बीच की, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान से देखिएगा, अभी ये क्या है, ये है हमारा F पहला आवेश, ये है दूसरा आवेश, इनके बीच की दूरी निकाली जाए तो ये होगी द्विध्रुव की लंबाई जो कि हमारी होती है क्या 12। इनके बीच की दूरी तो ये है लेकिन हमें ये दूरी नहीं चाहिए, मतलब द्विध्रुव अगर ये है तो हमें ये दूरी नहीं चाहिए, हमें इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए, या फिर हम कहें इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्रिया रेखा मतलब ये वाला जो बल है वो इस क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, ये वाला जो बल है वो इस क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, ठीक। तो इस क्रिया रेखा और इस क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है ये, या फिर ये कहीं पर बोल लो, ये हमको चाहिए एक्चुअल में, समझ पा रहे हैं ना। लंबवत दूरी का मतलब क्या है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब हम यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लें तो हमें शे वाली दूरी चाहिए, बात क्लियर। ए है, बी है, इसको नाम दे दें कुछ, सी दे दे, सी दे दे, सी है, बात क्लियर। मतलब हमें दूरी चाहिए बी सी, हमें दूरी कौन सी चाहिए, बी सी, मतलब दोनों बलों में से कोई एक बल लिख लो यहां पे और बी सी लिख लो, गुणा कर लो, निकल आया पलागुण, ठीक। बहुत सरल है, सिंपल है, पहली बार में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो बलागुण समझ चुके हैं, हमें निकालना कैसे ये पता चल गया, लेकिन अब दिक्कत है अगर ये बल है तो ये बल है कितना ये निकाल लेते हैं। अच्छा, बल का फार्मूला हमारे पास है, क्या है, एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पाप लगेगा, ये पाप क्यों लगेगा, क्योंकि वो बल हम तब लगाते हैं जब कोई दूसरा आवेश हमें पता हो। भाई यहां पर बल किसके कारण लग रहा है, ये वाला बल किसके कारण लगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ना। अब ये वैद्युत क्षेत्र कौन बना रहा है, कितना आवेश है इसके पास, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें ये मालूम है ई वैद्युत क्षेत्र तो है, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र तो है लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र जो आवेश बना रहा है वो आवेश कहीं पर ढका हुआ है, पर्दे के पीछे, वो हमको पता ही नहीं है। और जब आवेश पता नहीं है तो हम कितना बल यहां पर लिखेंगे, यहां पर मैंने क्यू आवेश दे दिया तो यहां पर बल कितना है हमको पता ही नहीं। अगर ये वाला आवेश पता होता Q1 है, ये Q2 को लेते फार्मूला लगा देते F is equal to Q1 Q2 upon K Q1 Q2 upon R square, ठीक है। लेकिन ये वाला बल हमारे पास पता ही नहीं है, ये जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, जो बल ये बन, मतलब जो आवेश ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा है उसका हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बल का फार्मूला वैद्युत आवेशों के पदों में नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र के पदों में निकाल लेंगे। हमें वैद्युत क्षेत्र पता है, ई है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र पता है तो बल हम वैद्युत क्षेत्र के पदों में निकालें। और ये हम लोगों ने पढ़ा है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पता थी, पढ़ी थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी, फार्मूला यहीं से बनाया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, याद करो, यही तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यहीं से परिभाषा बनाई थी, ठीक है। यहां से अगर हम बल की बात करें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q और E की गुणा कर दो, Q नॉट इंटू E। अरे आवेश यार, अगर Q नॉट नहीं होगा तो Q होगा, तो Q इंटू E कह लेंगे, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये याद रखो भाई, F इज इक्वल टू Q इंटू E, कोई दिक्कत, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, ये क्या है, बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ये बल है हमारा, ठीक। अगर दोनों आवेश पता होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब दोनों आवेश नहीं पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में अगर बल का फार्मूला पूछे कोई तो हम क्या बताएंगे, क्यू इंटू ए, ठीक।
एफ बराबर क्यू इंटू ई, आवेश की वैद्युत की तीव्रता से गुणा कर दो, बल निकल आएगा। तो मतलब है ये वाले बल कितने हैं, आवेश तो पता है क्यू है, आवेश कितना, आवेश कितना क्यू, वैद्युत की तीव्रता ई, ठीक है, आवेश क्यू वैद्युत की तीव्रता ई, तो बल कितना क्यू इंटू ई, ठीक है। तो लिखेंगे एफ बराबर क्या है, लिख दें प्लस क्यू बोलो या माइनस क्यू, दोनों पर बराबर बल लगेगा, तो प्लस क्यू या माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल एफ इज इक्वल टू कितना क्यू ई, बात क्लियर, बल निकाल लिया। हमें बलाघूर्ण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बलाघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं, बलाघूर्ण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मतलब BC, यही तो चाहिए। हमने पहली चीज निकाल ली है एफ, बल निकाल लिया है, दूसरी चीज हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना बलाघूर्ण निकालने की, बलाघूर्ण निकालने की अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, एफ निकालना होगा, बीसी निकालना होगा, दोनों की गुणा कर लेंगे बस उत्तर। तो एफ हमने निकाल लिया, एफ कितना है क्यू इंटू ई, कहानी खत्म। अब बीसी निकालना है, भाई बीसी कितना है, तो बीसी कैसे निकालेंगे, तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये 12 है हमें पता है, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, मतलब जो द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अगर ऐसे रखा होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होता, मतलब इनके बीच का कोण जीरो होता, अगर ये ऐसे रखा होता तो 90 अंश का कोण होता होता, लेकिन ये ऐसे रखा है तो पता नहीं कितना अंश का कोण हो, तो हम अभी के लिए उसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है और ये 12 है तो ये कितना होगा, ये हम लोगों ने हाई स्कूल में खूब पढ़ा है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, इस तरह से सिचुएशन बन रही है, इस तरह की सिचुएशन है, ऐसे है कुछ, ठीक, ये 12 है, ये थीटा है, ये आपको निकालना है, यही तो निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है, कर्ण दिया है, लंब कर्ण साइन में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कर देंगे, साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब यहां पर ये बी है ना, ये ए है, ये सी है, तो बी सी लंब और कर्ण मतलब ए बी, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर बी सी निकालना ही है, ए बी हमको पता है 12, बी सी चाहिए तो 12 इधर कर दो, बी सी बराबर 12 साइन थीटा, बात क्लियर है ना, तो बी सी का वैल्यू क्या 12 साइन थीटा, वो यहां पर अब अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ध्यान से देखें किस त्रिभुज की हम बात करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, इन दोनों त्रिभुजों में बात करें, साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब बी सी अपान ए बी, ठीक। अब आते हैं आगे, बी सी अपान ए बी, अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर में बी सी हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ए बी हमको पता है, ए बी कितना है 12, इसकी द्विध्रुव की लंबाई क्या है 12 को इधर हम कर दें तो क्या बन जाएगा भाई, बी सी इज इक्वल टू बन जाएगा 12 इंटू में जाएगा, पहली चीज हमें निकालनी थी वैद्युत बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या निकालना था, पहली चीज एफ निकालनी थी और बी सी निकालनी थी, एफ भी निकाल चुके हैं, एफ बराबर है क्यू इंटू ई, बी सी निकाल लिया 12 साइन थीटा, दोनों की गुणा कर दें बल आघूर्ण निकल आया, तो करते हैं गुणा बल आघूर्ण, तो लिखिए द्विध्रुव पर आरोपित या लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण किससे व्यक्त करेंगे हम लोग, टाउ से, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, तो टाउ इज इक्वल टू बल मतलब एफ इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बी सी, यही होगा, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ कितना है क्यू इंटू ई, बी सी कितना है, बी सी है 12
साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अब देखिए ना, देखी सुंदरम, देखिए तुमको, देखिए सत्यम, कुछ दिखा, क्या दिखा बताओ? 2QL दिखा भाई, 2QL, 2QL क्या होता है? P होता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टाउ बराबर 2QL को अलग कर ले, 2QL अलग कर दिया, 2QL अलग हो गया, बचा क्या? E साइन थीटा, ठीक, इनटू राइट सर। सो टाउ बराबर इसको P लिख दिया जाए तो ये बन गया PE, दिस इज द फार्मूला, ये हो गया हमारा बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र, ठीक। कुछ नहीं करना है, मेन चीज इस फिगर को समझिए, डेरिवेशन में तो कुछ है नहीं, बस याद रखो बल लगने वाला बल कितना, वैद्युत क्षेत्र E है, आवेश Q है, लगने वाला बल F बराबर Q into E होगा, दूरी कितनी लंबवत, कोण थीटा है, द्विध्रुव की लंबाई 12 है, लंब निकालना है, साइन थीटा बराबर BC बटे AB, BC था निकालना है, AB 12 है तो निकाल लिया 12 साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, दोनों की गुणा करा दिया, गुणा कराया तो दिमाग में आया 2QL यहाँ पर दिख रहा है तो वहाँ पर P लिख लिया जाए, बस कहानी खत्म है यहीं पर, ठीक है। तो बलयुग्म का आघूर्ण, इसकी दो विशेष स्थितियाँ हम लोगों को पढ़ लेनी है, ध्यान से देखिए, इसकी स्थितियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पहली स्थिति या फर्स्ट कंडीशन बोले, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे जब द्विध्रुव, मान लिया ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा होता, इस टाइप से रखा होता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बिल्कुल, और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होता तो कोण कितना होता? जीरो, ठीक है। जब द्विध्रुव, पहली कंडीशन कब, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, बात क्लियर है, और जब दिशा में होगा तो थीटा क्या होगा, ठीक, और जब थीटा जीरो होगा तो भाई यहां पर बताइए अब क्या होगा, टाउ, तो टाउ हो जाएगा PE साइन, ठीक। अच्छा एक बात याद रखिए, साइन का सबसे छोटा मान धनात्मक रूप में जीरो होता है और सबसे बड़ा मान एक होता है, ठीक है, जीरो और एक। तो यहां पर अगर हम बात करें साइन जीरो की, अगर हम बात करें तो इसका मतलब है साइन का सबसे छोटा मान है, ठीक है, और अगर सबसे छोटा मान है तो इससे छोटा अब टाउ नहीं निकाल सकते हम, सबसे छोटा टाउ यही है। धीरे धीरे हम साइन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे टाउ बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा टाउ बढ़ता जाएगा। अभी जब साइन सबसे ज्यादा मान क्या होता है साइन का, एक, कब होता है, 90° पर, तो इसका मतलब है कि टाउ जो है, मतलब जो बलाघुण है वो 90° पर सबसे अधिक होता होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू वहां पर अधिकतम होता है, और सबसे न्यूनतम कहां पर होता है, जीरो पर, जीरो पर न्यूनतम, 90 पर अधिकतम, बात क्लियर है, ठीक है। तो हम इसे हम जो लिखने जा रहे हैं ये टाउ मिनिमम लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो अंश है और जीरो अंश पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम को हम लोग मिनिमम कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ मिनिमम, ठीक है। सो ये टाउ मिनिमम होगा कितना भाई बताओ, PE साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होता है, ठीक है, तो टाउ मिनिमम हमारा होता है जीरो, टाउ मिनिमम जीरो, मतलब जिस समय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो ऐसी स्थिति में लगने वाला उस पर जो बल होगा या बलाघुण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और जब कोई बलाघुण नहीं लगता है, जब कोई बलाघुण नहीं लगता है तो द्विध्रुव की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा बलाघुण करता क्या है, पहले ये समझ लो, बल क्या करता है, बल क्या करता है, तो बल किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन कर सकता है, बल क्या करता है, वस्तु का रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, स्थान परिवर्तन करता है, लेकिन बलाघुण जो है वो स्थान परिवर्तन नहीं करता है, स्थान तो वही रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। मतलब समझिए, मैंने यहां पर एक द्विध्रुव रखा,
इमेजिन करिएगा, ठीक है, द्विध्रुव रखा, इस पर अगर एक बल लगे तो ये इधर खिसकता चला जाएगा, इधर खिसकता चला जाएगा, किसी भी तरफ जिधर हम बल लगा देंगे उधर ये खिसक जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ये बलाघुण जब लगेगा तो इसका मतलब दो बल लगेंगे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो होगा क्या, अब इमेजिन करिए कि हम एक यहाँ पर छड़ी रखे हुए हैं, एक धागा यहाँ पर बंधा है, एक धागा यहाँ पर बंधा है, ठीक है, इसको इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर खींचा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा और इस स्थिति में आ जाएगा। अब भी ये खींचते रहिए, इसको खींचते रहिए बराबर बल से, जितना इधर बल लगे उतना बल इधर लगे, तो अब इसमें कोई परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन कब तक होता रहा, जब तक ये वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में नहीं आ गया, मतलब बलाघुण ने क्या किया, इसकी दिशा को बदला, मतलब ये बलाघुण जो है वो हमेशा घुमाने का प्रयास करता है, घुमा देगा उसे, और कब तक घुमाएगा, जब तक दोनों बल एक ही रेखा पर नहीं आ जाते। अभी ये दोनों बल अलग अलग रेखा पर कार्य कर रहे हैं ना, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, इसकी क्रिया रेखा यहां पर है, इसकी क्रिया रेखा यहां पर है, लेकिन जब ये इस स्थिति में आ जाएगा तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही हो जाएगी, और जैसे ही दोनों बलों की क्रिया रेखा एक होगी वहां पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा, फिर तुम्हें जितना इधर खींचो उतना इधर खींचो, तो उस स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, और उस स्थिति में हम कहते हैं कि द्विध्रुव साम्य अवस्था में है। किस अवस्था में है? साम्य अवस्था में द्विध्रुव कब होता है? द्विध्रुव साम्य अवस्था में तभी होगा जब वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में रखा हो, मतलब ऐसे रखा हो तो साम्य स्थिति में रहेगा, समझ रहे ना, ऐसे रखा हो तो ये साम्य स्थिति में नहीं है, ऐसे रखा है तो ये साम्य स्थिति में है, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी पोजीशन सेकंड कंडीशन लिख देते हैं, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र कब होता है, 90 डिग्री पे जाके ना, ठीक है, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, समझ रहे ना, दिशा में रखा होगा, कोण जीरो है, अब ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा, इस स्थिति में थीटा होगा 90 डिग्री, इस समय टाउ को हम टाउ मैक्सिमम बोलेंगे, अधिकतम बोलेंगे, ठीक है, इस समय अभी हमने टाउ को टाउ मिनिमम बोला था जीरो पर, अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बनेगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू या टाउ मिनिमम कि मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है, तो ये हो गया टाउ मैक्सिमम ए, तो टाउ मैक्सिमम क्या होता है पीई, टाउ मिनिमम क्या होता है जीरो, ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम टाउ मिनिमम ये हमको पता चल गया। तो एक काम करिए, सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे वो लिखेंगे, उसके बाद में ये नोट करेंगे, ठीक, जल्दी करो। माना एक वैद्युत ध्रुव, एक वैद्युत ध्रुव ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा अंश के कोण पर रखा है, थीटा अंश के कोण पर रखा है, जिसके दोनों सिरों पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं
तथा द्विध्रुव की लंबाई 12 है, तथा द्विध्रुव की लंबाई 12 है, तब इसके नीचे ये सब पूरा नोट कर लीजिए, तब इस पर लगने वाला ये बल वगैरह ये पूरा नोट कर लो, ठीक है। बहुत सरल डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार अगर अपने आप करोगे तो फिर बिल्कुल सरल लगने लगेगा, ठीक है, है कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक वैद्युत ध्रुव रखा है ए बी, जिसकी लंबाई है 12, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, थीटा अंश के कोण पर रखा है, ठीक। हमें बलाघूर्ण निकालना है, बलाघूर्ण को हमें पता है कि बलाघूर्ण निकालने के लिए हमें एफ चाहिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस क्यू और माइनस क्यू पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में हमें चाहिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में जब भी आप बल की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, यही बताना है आपको, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जब भी हम कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में बल बताइए क्या होगा, तो F बराबर क्यू इंटू ई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये होगा। अच्छा, ये निकाल लिया, इसके बाद में हमें लंबवत दूरी बी सी चाहिए थी, तो हमने त्रिभुज देखा, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाया, बी सी बटे ए बी हो गया, ए बी का वैल्यू हमें 12 पता था, तो बी सी निकाल लिया 12 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बलाघूर्ण हमें निकालना है, तो ध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर होता क्या है, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लिया एफ और दोनों बलों के बीच क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जिसे हम बी सी कहेंगे, ठीक है। दोनों का वैल्यू रख दिया, एफ का मान है क्यू ई, बी सी का मतलब है 12 साइन थीटा। अब 2L Q तीनों चीजें दिख रही हैं, तो 2QL हो जाएगा, 2QL को अलग कर दिया, E को अलग कर दिया, साइन थीटा। हमें पता है, क्या पता है, कि 2QLP होता है ये, तो इसको हमने लिख दिया पी ई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। आपने जब वेक्टर फॉर्म इसका अगर पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, टाउ वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए। जब भी हम क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन आता है, साइन थीटा, और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना फिजिक्स में, स्केलर गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में ए बी कॉस थीटा, और जब जब सदिश गुणनफल होता है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होता था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो जब क्रॉस होगा तो निकल करके साइन थीटा आता है, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई है, तो पी ई साइन थीटा हो गया। अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो हम डॉट लगाते, क्रॉस और डॉट में यहाँ पर फर्क होता है, ठीक है भाई, सदिश में ये फर्क होता है, तो यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा होता है तो घबराए ना इससे। फर्स्ट कंडीशन, जब जीरो अंश होगा तो साइन थीटा जीरो रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, ये न्यूनतम होता है। अधिकतम कब होता है, जब लंबवत होता है 90 अंश पर होता है, टाऊ साइन 90 रख देंगे तो केवल पी होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, क्योंकि यहां पर से हम अगर कहें चैप्टर वन का फेज वन खत्म हो चुका है, फेज वन मतलब एक पार्ट चैप्टर वन का खत्म हो चुका है, अब चैप्टर वन का दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, आगे की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को समझना है, सबसे पहले हम लोगों को समझना है, क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है क्षेत्रफल वेक्टर। अभी गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, काहे परेशान हो, ठीक है। सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर चाहिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक अदिश राशि होती है, कैसी, अदिश राशि होती है। लेकिन अब हमें फिजिक्स में पढ़ना है कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है, उसकी दिशा किधर होगी ये समझना है सबसे पहले, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। मान लिया ये हमारे पास डस्टर है, इसके छह फलक हैं, एक ये पीछे, ये ये ये, ठीक, छह है। इसके इस फलक का क्षेत्रफल ये है, तो इसकी दिशा किधर है, समझ रहे ना, पृष्ठ के लंबवत दिशा होती है। अगर ये पृष्ठ है तो इस पर लंब डाल दो तो ये इसकी दिशा होगी, इस ठीक है। इसकी दिशा पूछी जाए, इस क्षेत्रफल की दिशा, तो ये है, समझ रहे ना, इसकी दिशा ऊपर की और इसकी दिशा इधर, समझ पा रहे ना। तो क्षेत्रफल की दिशा भी होती है, यह हम लोगों को अब समझ के रखना है, क्षेत्रफल की भी एक दिशा
होती है और दिशा किधर होती है, तो हमेशा दिशा क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो क्षेत्र के लंबवत होती है, जो भी पृष्ठ होगा उसके लंबवत होती है। बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, घनकोण हम लोगों को समझना है। क्या? घनकोण। सबसे पहले घनकोण, छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होंगी गॉस प्रमेय को समझने के लिए। अगर इन बातों को नहीं समझ पाए तो भी गॉस प्रमेय फिर ऊपर से जाएगी, फायदा क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या समझेंगे। घनकोण, आखिर घनकोण होता क्या है और इसको किससे व्यक्त किया जाता है ये समझेंगे। ठीक है, घनकोण क्या है? तो घनकोण का मतलब है किसी भी गोले के द्वारा, गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर कुछ कोण बनाया जाता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। अब समझिए इसका मतलब क्या, इसका फील लीजिए जरा। तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घनकोण की परिभाषा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है वो क्या होता है, घनकोण होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम रेडियन की बात करें, क्योंकि कोण, ये जो कोण की बात मैंने की है जिसे समतलीय कोण कहते हैं, इस कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, रेडियन। और जो घनकोण है, घनकोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। ठीक है, ध्यान से देखिए, रेडियन और स्टे रेडियन। रेडियन क्या है, स्टे रेडियन क्या है, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं जरा। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझे 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 समझे, ध्यान से देखो। रेडियन क्या है, आप लोगों ने कोण का फार्मूला तो पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की बात करें, और कोण को अगर हम वन कह दें, कोण कितना, एक रेडियन। अगर हम कोण को वन कह लें, एक रेडियन है, तो एक बराबर चाप बटे त्रिज्या। समझ रहे हैं ना, एक बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या अगर हम इधर ले आए तो त्रिज्या बराबर चाप। मतलब एक रेडियन कोण कब होगा, एक रेडियन कोण होगा कब, जब उसका चाप जो लिया जाए, ये जो चाप लिया जाए वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर लिया जाए। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, इतनी ही लंबाई का चाप ले लो यहां पर जितनी त्रिज्या है, तो इतनी लंबाई का अगर हम चाप ले लें, तो इतनी लंबाई का चाप जितना कोण बनाएगा उस कोण को हम एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन क्या है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है किसके द्वारा, गोले की सॉरी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है किसके द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा। लेकिन उस चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, जितनी उसकी त्रिज्या हो, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ठीक, अब एक स्टे रेडियन किसे कहते हैं ये समझना है लोगों को। ठीक है, रेडियन से हमें कोई लेना देना नहीं, उससे कनेक्ट करना है मुझे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी हम मान रहे हैं ये हमारा गोला है। ठीक, ये हमारा गोला है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि यहां पर अब हम लोग चाप नहीं लेने वाले, क्योंकि स्टे रेडियन होगा तो मतलब गोला है, गोले में चाप नहीं है, मतलब वो परिधि थोड़ी है। अब तो पृष्ठ है, तो पृष्ठ में चाप थोड़ी होता है, पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है। तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया। ठीक, और क्षेत्रफल को हम भाग करेंगे किससे, त्रिज्या के वर्ग से, त्रिज्या के वर्ग से। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घनकोण। अब एक घनकोण होगा कब, अगर घनकोण एक होगा कब, जब क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या के वर्ग के। इधर आएगा ना, त्रिज्या आर से व्यक्त कर रहे हैं यहां पर। अगर वो क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, ठीक है,
तो उस क्षेत्रफल द्वारा जितना भी कोण बनाया जाएगा गोले के केंद्र पर वो क्या कहा जाएगा, एक स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन घनकोण है पहली बात। तो वह घनकोण है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, लेकिन वो पृष्ठ कितना होना चाहिए, वह पृष्ठ गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होना चाहिए कितना होना चाहिए, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे घनकोण कहते हैं। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, गोले की त्रिज्या के वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर अगर क्षेत्रफल है उस पृष्ठ का, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करते हैं वह कोण क्या होगा, एक स्टेरेडियन कहा जाएगा। समझ पा रहे, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन की अभी हम लोग परिभाषा लिख लेंगे, लेकिन घनकोण की परिभाषा लिखेंगे। घनकोण का फार्मूला क्या रहेगा हमारा, सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है, घनकोण का सूत्र क्षेत्रफल को आर से भाग करना ना, इसका मतलब क्षेत्रफल को हम लोग ए से लिखते हैं, ए अपान आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ए तो होगा ये पूरा क्षेत्रफल, भाई गोला है, पूरा गोला है, इस गोले का क्षेत्रफल जो भी पूरा पृष्ठ है उसको हम ए से लिखेंगे। और हमने बताया है अभी अभी कि हम अगर घनकोण की बात कर रहे होंगे तो छोटा सा क्षेत्रफल होगा केवल त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल होगा छोटा होगा। और छोटे के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, दो तीन लेक्चर पहले मैंने क्या बताया था, डी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए। पूरा क्षेत्रफल ए है तो छोटा सा क्षेत्रफल डी ए, ठीक है। इस डी ए द्वारा जो कोण अंतरित किया जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, डी ए अपान आर स्क्वायर। लेकिन यह फार्मूला उसी वक्त लागू होगा जिस वक्त क्षेत्रफल जो होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर आवेश है Q, ठीक, यहां पर ये क्षेत्रफल है मान लिया कुछ DA, ठीक है, ये बाहर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत है, तो हम इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला DA अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर ना हो, मतलब यहां से जो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसका डायरेक्शन तो यही होगा ना, जीरो अंश है, तो ये काम करेगा। लेकिन अगर हम यही बात कर दें कि ये जो वृत्त है इस टाइप से ना होता, मतलब गोला ये इस टाइप से ना होता, एक बंद पृष्ठ ही होता लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा होता कुछ आलू टाइप का, ठीक, आवेश यहां पर है, आवेश यहां पर है, मैंने एक पृष्ठ लिया यहां पर, और यहां पर जो भी आप पृष्ठ लोगे उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यहां पर आवेश रखा है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहां पर इस दिशा से कुछ होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, ठीक। अब इस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला घनकोण का नहीं इस्तेमाल कर सकते, डी ए अपान आर स्क्वायर, तब क्या करेंगे, इस स्थिति में हम इस क्षेत्रफल के अवयव को जिसकी दिशा है क्षेत्रफल की डी ए की, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे, तब ये वाला पार्ट हमें लेना होगा, तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा जिधर कोण होता है, समझ रहे ना, तो डी ए कॉस थीटा हो जाता है, बस। घनकोण का मेन फार्मूला तुमको याद रखना है, घनकोण का फॉर्मूला होगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। थीटा जीरो होगा जब इसकी दिशा में होगा, अगर यहां पर की बात करें, यहां पर पृष्ठ लोगे तो ये ऐसे होगा, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे होगा, कोण जीरो होगा, ठीक है, तो कोण जीरो होगा तो कॉस जीरो रख दोगे, कॉस जीरो का मान होता है वन, तो ये डी ए कॉस डी ए अपान आर स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी यहां पर कोण कुछ ना कुछ होगा उस सिचुएशन में कॉस थीटा हमको लगाना है, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो जब भी लंबवत नहीं होगा, कुछ अंश के कोण पर होगा तो थीटा लगाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे करेंगे जब लंबवत होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत है मतलब नहीं है, तो ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अब घनकोण की परिभाषा लिखते हैं जल्दी से पहले, उसके बाद में हम लोग फिर दूसरी कहानियाँ सुनते हैं, दूसरी कहानियाँ क्या, फिर इसके बाद में क्लास ओवर होगी, अगले दिन क्लास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे घनकोण, घनकोण, ठीक है।
लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है, जो कोण अंतरित किया जाता है उसे घनकोण कहते हैं, उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, किससे? ओमेगा। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसे ओमेगा से व्यक्त करता है, ठीक है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लें घनकोण बराबर गोले का पृष्ठ, या पृष्ठ या क्षेत्रफल कुछ भी लिख लें, अपान त्रिज्या का स्क्वायर। अर्थात ओमेगा बराबर गोले का पृष्ठ ए अपान आर स्क्वायर, ठीक यही होगा। गोले के पृष्ठ को ऐसे व्यक्त करेंगे, त्रिज्या को आर से, आर स्क्वायर। ओमेगा मतलब घनकोण है, ठीक। जब भी हम छोटे से ओमेगा की बात करेंगे, छोटे से ओमेगा की बात करेंगे, मतलब हमने बोला ये गोला है, गोले का छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसको हम डीए बोलने वाले हैं, और जब डीए लेंगे तो घनकोण भी केवल छोटे सा होगा घनकोण, ठीक है। तो छोटा सा होगा तो हम उसके घनकोण को डी ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक। जब जब पृष्ठ लंबवत ना होकर, लंबवत ना होकर थीटा अंश के कोण पर हो, मतलब लंबवत ना हो पृष्ठ थीटा अंश के कोण पर हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब भाई डी ए बराबर में क्या होगा, सॉरी डी ओमेगा बराबर में क्या होगा, मतलब घनकोण डी ओमेगा बराबर होगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। जब थीटा अंश के कोण पर होगा तो फॉर्मूला होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, बात क्लियर। यहीं तक कहानी आज रखते हैं, इसके आगे की कहानियाँ हम लोग आगे देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही।